चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना है। क्या डीडी फ्री डिश हमारे लिए बंद होने वाला है? क्या डीडी फ्री डिश का जो फ्यूचर है वो हमारे लिए खत्म हो गया, बर्बाद हो गया? ये जो सवाल है वो हमारे आसपास इर्द गिर्द मंडराने वाले हैं, क्योंकि डीडी फ्री डिश के डीटीएच प्लेटफॉर्म से जितने भी चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप को डीडी फ्री डिश से बाय करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे लिए सिनेमा टीवी इंडिया छोड़ के चला गया है, 9X जलवा छोड़ के चला गया है, अब सी धाकड़ भी गया और भी चैनल्स हैं जो कि लाइन में आ रहे हैं जाने के लिए। तो क्या इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि डीडी फ्री डिश का फ्यूचर हमारे लिए खत्म होने वाला है? बताना चाहूंगा कि डीडी फ्री डिश एक ऐसा डीटीएच प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे अधिक पॉपुलैरिटी में है, क्योंकि ये एक फ्री टू एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म है और सबसे अधिक जो इसकी मांग होती है वो ग्रामीण इलाकों में होती है। यानी जो लोग गांव में रहते हैं वो अधिकतर इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें हर बार रिचार्ज करवाने की जरूरत ना पड़े। और हर कोई जो चैनल है वो ये भी इच्छा जागरूक करता है कि किसी न किसी वक्त वह डीडी फ्री डिश में अपने आप को लॉन्च जरूर करे। और आज भी यही आलम है कि बहुत चैनल्स इच्छा तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसा ना होने के चलते ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि आए तो थे लेकिन अब जाने की तैयारी में हैं। आखिर उनके ऐसा क्या हो चला कि डीडी फ्री डिश से उन्हें अपने आप को निकालना पड़ रहा है, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और अगर ऐसा ही आलम रहा तो क्या डीडी फ्री डिश हमारे लिए क्या बंद हो सकता है आने वाले समय में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले एक बार इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको पल पल की डीडी फ्री डिश की खबर या फिर किसी भी डीटीएच की खबर सबसे पहले मिलती रहे। तो बताना चाहूंगा कि डीडी फ्री डिश में आपके लिए जो चैनल्स देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत से चैनल्स का जो बजट है वो हिल गया है। उनके पास पैसा नहीं है कि वह अपने चैनल को भी मैनेज कर पाए और यही कारण है कि उन्हें डीडी फ्री डिश से अपने चैनल को बंद करवाना पड़ रहा है, विड्रॉ करवाना पड़ रहा है। आपको मालूम होगा कि 44वीं ऑक्शन के चलते जितने भी चैनल्स हम सभी को देखने को मिल रहे हैं वो पूरे एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए थे लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बीच में ही खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि विज्ञापन की कमी हो गई है, एडवर्टीजमेंट्स अधिकतम नहीं मिल रही है जिससे रिवेन्यू नहीं बन रहा है। और अगर पैसा ही नहीं आएगा तो डीडी फ्री डिश को क्या देंगे और अपने एम्प्लॉयज को क्या देंगे? और यही कारण है कि बहुत से चैनल्स अपने आप को हटाने पर मजबूर हो रहे हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि डीडी फ्री डिश में जितने भी चैनल्स देखने को मिलते आ रहे हैं वो सभी ई ऑक्शन के माध्यम से ही आते हैं। यहाँ पर कोई भी चैनल जो आता है वो अपनी इच्छा से आता है, डीडी फ्री डिश उन्हें खुद से लॉन्च नहीं करता है। जो चैनल सबसे अधिक रकम देता है वही चैनल डीडी फ्री डिश में स्लॉट जीत लेता है और वही हमें देखने को मिलता रहा है। बहुत से चैनल्स ने यहाँ पर गुजारिश की है कि हमारे चैनल्स की फीस को करीब जुलाई 2020 तक के लिए माफ किया जाए। बेशक यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि हम जो है जल्द ही इस पर जो है काम करेंगे और आपके लिए जो करिज फीस है उसको माफ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं है जिसकी वजह से चैनल्स जो है वो मजबूर हो गए हैं और उन्हें यहाँ पर अपने आप को बंद करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में कई बार यही चैनल्स नहीं है और भी चैनल्स जो कि डीडी फ्री डिश से धीरे धीरे हटते जाएंगे, तो उसका जो खमियाजा है वो केवल एक चैनल को ही नहीं भुगतना पड़ रहा है क्योंकि अगर चैनल नहीं रहेगा तो उसको टीआरपी की कमी हो जाएगी, बल्कि डीडी फ्री डिश को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि इससे डीडी फ्री डिश जितने भी उपभोक्ता हैं वो भी कम होते जाएंगे क्योंकि डीडी फ्री डिश में केवल टच चैनल्स ही हमारे लिए रह जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। अगर यही हाल रहा डीडी फ्री डिश को कुछ ना कुछ कदम यहाँ पर जरूर उठाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रसार भारती को यहाँ पर बहुत से चैनल्स की करिज फीस को माफ कर देना चाहिए और जो चैनल्स बंद हुए हैं जिस कारण से उन्हें बंद होना पड़ा है उस कारण को दूर करते हुए वापस से उन चैनल्स को लॉन्च करना चाहिए, उनकी जो फीस है उसे माफ करना चाहिए, तभी डीडी फ्री डिश के ग्राहकों का मनोरंजन बरकरार रहेगा और आपकी फीस भी बरकरार रहेगी। अन्यथा अगर धीरे धीरे सभी चैनल्स जाते जाएंगे तो आपके पास एक रुपये भी नहीं बचेगा और डीडी फ्री डिश का बिजनेस तो समझ लीजिए हो गया बेकार, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डीडी फ्री डिश को अपने आप को बचाने के लिए भी और प्रसार भारती को भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी अपने ग्राहकों को और आगे ग्रो करने के लिए चैनल्स को बरकरार रखने के लिए उनकी मदद जरूर करनी चाहिए और जो फीस ना देने के चलते अपने आप को बंद कर रहे हैं उन्हें वापस से लॉन्च करना चाहिए। बाकी इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो लाइक भी कर सकते हैं और वहां पर अपना सवाल भी पूछ सकते हैं।
नमस्कार।